हमारे शो में एक नया टर्न आ रहा है, तो उसी के एंजॉयमेंट पे भी होली चल रही है सब वैसे के हिसाब से। धानी का आखिरी दिन है यहाँ पर, चलो सालन सालन एक्शन। कुछ महसूस होने लगा है, वो नहीं जानता एग्जैक्टली क्या है, तो वो बात करने की कोशिश कर रहा है धानी से, लेकिन धानी चली जा रही है, तो रिपीट हो रहा है। लेकिन ये चीज़ हमारे जो पापा है काशीनाथ पांडे वो देख पा रहे हैं, अभी क्या और हो रहा था, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स होली है तो ठंडाई विल कम इन टू द पिक्चर। और उसके बाद शायद आपको कुछ मोमेंट्स देखने, लेकिन जब ऐसे भी होली दो साल से मन नहीं, तो पर्टिकुलरली आप होली के दिन क्या करने वाली हैं, शूट होने वाला है या सेलिब्रेट करने वाली हैं? आई डोंट नो, आपको बुला ले, छुट्टी मिलने वाली है कि नहीं, लेकिन अगर छुट्टी मिलने वाली है तो डेफिनेटली मैं फैमिली के साथ स्पेंड करूंगी एंड कोशिश करूंगी कि फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करने मिले, क्योंकि ये मैंने कभी नहीं किया। सो आई थिंक इस साल मैं कोशिश करूंगी कि फ्रेंड्स और फैमिली दोनों के साथ होली स्पेंड करूँ। आपका आ रहा होगा होली का त्यौहार, हमारा तो आ गया और आ के चला जाएगा, क्योंकि यही फर्क है आर डबल ई एल में और आर ई ए एल में, समझते हैं हम, रियल रियल और रियल लाइफ में। तो हम लोग जो हैं वो समाज का आईना है, जब तक समाज आता आईने में देखने के लिए तब तक आईना बिल्कुल सब दे चुका होता है रेडी करके, समझ रहे, पीछे क्या लगा होता है मरकुरी, पीछे क्या लगा होता है मरकुरी, और आगे क्या दिखाते हैं आपका आपका दर्शन, समाज का जिया, दर्शन, जिया जिया देखा, जिया 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 महादेव, जिया जिया महादेव, महादेव 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 महादेव। सरीवी कनेक्शन तो काफी शो का हिस्सा रह चुका है, ये शो सबसे खास क्यों है? मैं किसी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं किसी का हिस्सा नहीं हूँ, आप मेरा हिस्सा है, आपका अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीय नास्ति, और ये हम कुंडली में लिखा के आया हूँ कि हम परोपकार करने आया हूँ, इस धरती पे परोपकार करके चला जाऊंगा। चल भाई अभी बहुत टाइम आ गया, बड़ा बढ़िया, जल्दी जल्दी कर लो यार। और परोपकार बहुत, परोपकार बहंती नदियां, परोपकार फलंती वृक्ष, परोपकार दुहंती गव, परोपकार इदम शरीरम, हैप्पी होली, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। आपसे ये आपसे मुखातिब है। देखिए होली है डेफिनेटली सबसे बेहतरीन, बहुत ही कलरफुल त्यौहार है हमारे देश का, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी रंगों में रंगे हुए हैं, और हर शो का नाम भी है रंग जाओ तेरे रंग में, सो परफेक्ट मौका है हमारा कि दूसरों को भी रंग दें अपने रंग में, और जाने से पहले आप सबको भी रंगेंगे हम, ये तय है। और दूसरी बात टर्न एंड ट्विस्ट की जो बात कर रहे हैं आप, स्टोरी लाइन के हिसाब से डेफिनेटली बहुत कुछ हो रहा है, प्यार है, मोहब्बत है, झगड़े हैं, नफरत है, बहुत कुछ है, और बस सुरेश बाजू में खड़े हैं, क्या करना चाहेंगे इतने वेटरन कलाकार के साथ काम करने का, कैसा अनुभव रहा अभी तक का? आई एम वर्किंग विद हिम फॉर द सेकंड टाइम, तू बोले या नहीं, आर्टिस्ट भेज दे सकता है, इससे पहले मैं कर चुका हूं पहले भी, आई हैव वर्क्ड उनके साथ, एंड आई थिंक सो द फर्स्ट एक्सपीरियंस द सेकंड एक्सपीरियंस ऑलवेज द सेम, ऑलवेज ग्रेट, एंड इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू सी हिम वर्किंग इन अ सीन, बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग अप विद, यू हैव टू बी वेरी शार्प, आपको बहुत ही शार्प रहना पड़ेगा व्हेन वर्किंग विद हिम, एंड आई थिंक सो दैट्स द बेस्ट क्वालिटी, इनके इनके अंदर वो ऐसी क्वालिटी कि दूसरे एक्टर को शार्प कर देते हैं विद हिज परफॉर्मेंस, आई थिंक सो द अदर एक्टर हैज टू बी वेरी ऑन द टोस फॉरएवर एंड 24/7। टॉकिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ द शो, क्या अपील कर रहा है लोगों को, आप लग रहा है लोगों को पसंद आ रहा है ये शो, क्या अपील कर रहा है? आई रियली रिस्पेक्ट द मेकर्स ऑफ द शो, यू नो पुटिंग द हार्ड वर्क एंड डूइंग एवरीथिंग फॉर दिस शो, बट यू नो इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई एम वन पर्सन हु जस्ट डज हिज जॉब एंड डू नॉट लुक इनटू इट कंप्लीटली कि व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज नॉट, आई जस्ट डू माय जॉब एंड जस्ट गो होम एंड सर जाना चाहूँगा, होली का पावन त्यौहार आ रहा है और यहाँ भी होली का सेलिब्रेशन है, तो कितने उत्साहित हैं इस सीक्वेंस को लेकर आप? बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं और काफ़ी बवाल वाली होली होने वाली है ये, अभी आप लोग उसके लिए देखना पड़ेगा रंग जाऊँ तेरे रंग में। आज जो होने वाला है यानी होलिका, अगर आपने शूट की देखी होगी तो होलिका के बाद ये जो होली का सीक्वेंस आया है इसमें बहुत ज़्यादा मसाला और बहुत सारा ड्रामा है, तो उसको प्लीज़ मिस मत करिएगा, तो यहाँ से स्टोरी में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। तो कुछ रिवील करना चाहेंगे कि क्या पर्टिकुलरली दर्शकों को देखने मिलेगा, मतलब ये सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? होली तो है ये की बात हो गई, लेकिन शो के हिसाब से क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो? देखिए ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता हूँ, आपको पता है कि हम लोग अलाउ होता नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो अभी शो में आप जो देख रहे हैं, जो ध्रुव और धानी के बीच में चल रहा है, सृष्टि वापस उसकी लाइफ में आना चाह रही है, तो सृष्टि किस लेवल तक जाएगी लाइफ वापस आने के लिए, और क्या ध्रुव और धानी का रिश्ता सस्टेन कर पाएगा,
क्योंकि होली वाला दिन में 30वां दिन ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप लोगों को याद होगा सिर्फ 30 दिन ही शादी थी, उसके बाद धानी को अपने घर वापस जाना था। तो इसके लिए आपको होली वाली ये होली का ये एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारे बड़े बदलाव होने वाले हैं। सर, ये भी जो पर्टिकुलरली रोल प्ले कर रहे हैं, वो जो कैरेक्टर है आपका और जो पर्टिकुलरली आप हैं ऐसे इंडिविजुअली तौर पर, कितना डिफरेंट है? हाँ, वो पूरा बता दिया डिटेल। सर, ये भी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं पर्टिकुलरली और जो इंडिविजुअल तौर पर आप हैं, कितना डिफरेंस है आपके कैरेक्टर में और आप में? मैं सच बोलूँ तो मैं अभिषेक पांडे ही हूँ रियल लाइफ, क्योंकि मैं खुद अपना एक छोटे भाई का बड़ा भाई हूँ, और जितना जिम्मेवार इस स्टोरी के अंदर अभिषेक पांडे है उससे थोड़ा ज़्यादा ही मैं जिम्मेदार हूँ अपनी लाइफ में। तो जिस तरह से पूरी फैमिली को संभाल के रखता है, वेल लिट फैमिली को होल्ड करके रखता है, तो वैसा ही कैरेक्टर मेरा भी है रियल लाइफ में। हर शो, जो भी शो आता है, कुछ ना कुछ ऐसा संदेश देता है, कुछ ना कुछ ऐसा सीख देता है दर्शकों को। ये शो का पर्टिकुलरली एम क्या है दर्शकों को दिखाने का, एंटरटेनमेंट के साथ क्या ऐसा चीज़ दिखाना चाहता है शो के माध्यम से? अगर आप सच पूछें तो हम अपने शो से यही बताना चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं टीवी में, ये हर घर की प्रॉब्लम है। हर घर में ऐसी दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन आप उस परेशानियों से आगे निकल कर किस तरह परिवार को संभालते हैं, इसका मैसेज ये है। दिक्कतें सबके घर में हैं, कोई दिखाता नहीं है। सबके घर में आपसी कलह होते हैं, रिलेशन टूटते हैं, बनते हैं, लेकिन कोई दिखाता नहीं है। कई लोग टूटे बिखर जाते हैं, लेकिन हमारा शो ऐसा है वो बिखरने नहीं देता है। हमारे चाहे फादर हों, काशी जी हों, हमारे भाई हों, हम सब लोग अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो हमारा शो वैल्यूज़ का है, हम रिश्तों को छोड़ेंगे नहीं और जाने भी नहीं देंगे। कमाल, जानदार हो रही है। भांग कितना पी लिया आपने? भांग तो 1.5 ग्लास पी लिया है, और काशी जी सुदेश बेरी जी को 2 ग्लास पिला दिया है, और बड़ा मज़ा आ रहा है। और मेरे जीवन में डायलॉग तो बहक नहीं रहे? नहीं, डायलॉग नहीं बहक रहे। और मेरे जीवन में ये स्क्रीन पे पहली होली है। आज तक मतलब मारी खाई है नेगेटिव रोल करके, पहली बार होली खेल रहा हूँ, और भांग का माहौल तो बढ़िया। होली में पूछते ना, होली का नहीं, देखो आ रहे वो असली होली, वो आ रहे हैं सामने, काशीनाथ पांडे हमारे मेन करेक्टर, और मूछ ठीक करते हुए आ रहे हैं, गम लगे हो ना, खुद मूछ करते हुए आ रहे हैं। और बहुत बहुत शुभकामना आप सभी चैनल्स को, आप सभी पत्रकार भाइयों को। आपसे पंगा लेने का मतलब नंगा होना, ठीक है? और रंग जाऊं तेरे रंग में की ओर से आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामना। मैं अमित घनश्याम इसमें मोहन प्यारे का रोल कर रहा हूँ, सुदेश बेरी जी के दोस्त का रोल कर रहा हूँ। जय हिंद। नमस्ते सब फ्रेंड को मेरे तरफ से, होली शुभकामनाएं और सबसे अच्छी बने, खूब रहे। मैं राजस्थान उदयपुर रहने वाला हूँ, तो सब मेरे फ्रेंड सब चैनल देखना। नाम मेरा लक्ष्मीलाल जोशी है, गांव मातला है, और सब मेरे चैनल देखना। और होली मुबारक सबको, हैप्पी होली। ये होली वैसे सबसे पहले हमारे शो का नाम है रंग जाऊं तेरे रंग में, तो आज बाकी इतने सारे रंग में हम भी रंगने वाले हैं, और किसी के रंग हम उड़ाने वाले भी हैं। और हमारा प्लान इस होली में इतना बड़ा है कि सृष्टि को कैसे हम हमारे घर में लाएं। हालांकि हमारा टारगेट ये नहीं कि सृष्टि को हम बहू बना के घर में लाएं, पर सृष्टि के ज़रिए कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा प्लान है। तो ये प्लान हम होली के पवित्र मौके पर रंगों के साथ करने वाले हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से माहौल काफ़ी ऐसा है कि वो बन नहीं रहा था, तो अब पर्सनल तौर पे कैसे मनाने वाले? तो शो की बात हो गई, निजी तौर पे कैसे मनाने वाले हैं? ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज 2019 वॉज द लास्ट होली, और मुझे बराबर याद है कि 19 की होली के दिन ही उसी टाइम पर ये हमारे देश में आ चुके थे, कोरोना नाम का राक्षस वो आ ही चुका था, पर तभी हमें वो सीरियसनेस पता नहीं थी। तो कुछ लोगों ने कहीं होली मनाई थी, हालांकि हमने नहीं मनाई थी, क्योंकि अब जब पता चल ही रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हमें पता चल रहा था कि समथिंग इज़ वेरी सीरियस, वेरी डेंजरस। तो सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है कि जब हम इतने ब्रेक के बाद, पूरा साल जब हम काम करते और वैकेशन आता है तो कितना रिलीफ लगता है। तो ये तो ऐसा था कि पूरे 2 साल से भी ज़्यादा समय पूरी दुनिया, हमारा देश इतनी मुश्किलों से जूझ रहा था, इतनी तकलीफों में था, हर तरह से तकलीफ थी, ना कामकाज थे, ना बाहर निकलना, बीमारी, कोरोना, इतनी डेथ, क्या क्या नहीं देखा। शायद हमने इन 2 सालों में जो देखा उतना हमने कभी किसी ने नहीं देखा होगा।
तो यस आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये होली बहुत खास है. एक तो हमारा शो है रंग जाऊँ तेरे रंग में, तो हम ऐसे भी यहाँ पे रंगों से खेल रहे हैं. और पर्सनल लाइफ में भी होली के दिन छुट्टी होगी तो हमारा बहुत बड़ा प्लान है. होली की पार्टी अरेंज की है हमारे खास खास दोस्तों ने, तो वो पार्टी होंगी. बाकायदा गुलाल से खेलेंगे लेकिन सेफ खेलेंगे. हम पानी बर्बाद नहीं करना चाहते, तो जो भी एक नेचर फ्रेंडली होली खेलने का हमारा प्लान है. अच्छा सा गेट टुगेदर हो जाएगा और ये होली पे बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी. थैंक यू. अच्छा मैं एक बार बोल देती हूँ.